गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना संस्कृत का एक टॉपिक करेंगे जो है हरिद्वारम। ये हमारी पहली वीडियो है संस्कृत से चैप्टर से रिलेटेड जो है हरिद्वारम। इसका मतलब हम इस चैप्टर में हरिद्वार के ऊपर पढ़ेंगे। हम संस्कृत में इसको बोल तो रहे हैं हरिद्वारम, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में कहें तो सिर्फ हम इसको बोलेंगे हरिद्वार। क्या बोलेंगे? हरिद्वार। इट मीन्स इसको हम हिंदी में कहेंगे हरिद्वार। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर हरिद्वार के ऊपर जितना भी वर्णन किया गया है, हरिद्वार कैसा है, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली लाइन है, भारतवर्षे अनेकानि तीर्थस्थलानि सन्ति। मतलब बताने से पहले आप ये देख लीजिए, जैसे हिंदी के वर्ड होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम संस्कृत के वर्ड ही होते हैं, बस उसमें अंतर क्या होता है, जैसे कि बस वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं, फिर उनका प्रोनंसिएशन कुछ और हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हरिद्वारम में हम लोग बोलते तो हिंदी में हरिद्वार हैं, लेकिन बस इसमें म लगा दिया और इसके कारण इसका प्रोनंसिएशन अलग हो गया, जिसको हम कह देते हैं हरिद्वारम। ओके, तो जैसे भारतवर्षे, हमने भारतवर्षे को अगर हम अलग अलग करें तो भारत वर्ष, तो इसका मतलब हो गया भारत वर्ष में, बस वर्ड को ज्वाइन कर दिया संस्कृत में, वरना हिंदी में तो हम कहेंगे भारत वर्ष में। अनेकानि तीर्थस्थलानि सन्ति। अनेकानि मतलब अनेकानि में अनेक को देखते हैं हम लोग, कानी अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ अनेक को देख रहे हैं। इसमें है अनेकानि मतलब अनेक, भारतवर्ष में अनेक तीर्थस्थलानि। तीर्थस्थलानि ना देखकर हम तीर्थस्थल देखते हैं, तीर्थस्थल मतलब जहाँ तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं तीर्थ। तो भारतवर्ष में अनेक तीर्थस्थल सन्ति मतलब है। तो इसका एक लाइन का अर्थ हो गया, भारतवर्ष में अनेक तीर्थस्थल हैं सिर्फ। फिर दूसरी हमारा सेंटेंस है, तेषु तीर्थेषु हरिद्वारम अन्यतमम। जैसे कि मैंने ये पढ़ रही हूँ हरिद्वारम, मैं इसको हरिद्वार क्यों नहीं कह रही, मैं इसको हरिद्वार इसलिए नहीं कह रही क्योंकि म में मम आधा लिख रहा है, तो हरिद्वारम अन्यतमम ये आधा म है जब नीचे हलंत लग रहा है। तीर्थेषु तेषु, देखिए इस लाइन का मतलब है, तेषु मतलब उन पर, हम इसमें तेषु उन पर भी हो सकता है, या अगर हम इस चैप्टर से हिसाब से मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड पूछें, फर्स्ट सेंटेंस में हमारा अर्थ हो गया कि भारतवर्ष में अनेक तीर्थस्थल हैं, दूसरे की बात करें तो तेषु उनमें से, क्या करेंगे हम, उनमें से तीर्थेषु हरिद्वारम अन्यतमम, उनमें से हरिद्वार जो है एक तीर्थ स्थल है। इदम् तीर्थस्थलम पवित्रे गंगा तटे अस्ति। ये थर्ड लाइन में इदम मतलब कहते हैं हम लोग यह, यह तीर्थस्थल जो है, ये जो हरिद्वार तीर्थस्थल है, वे पवित्रे, पवित्रे में हम इस मात्रा को हटा देते हैं और अब इसको देखिए आप, इसमें लिखा है पवित्रे मतलब हटा के तो पवित्र, पवित्र बहुत ही पवित्र गंगा तटे अस्ति, इसका मतलब यह तीर्थ स्थल पर पवित्र गंगा तट है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है, ये हरिद्वार के वर्णन के रिलेटेड ये डायग्राम बनाया गया है, और यहाँ पर आप जो ये नदी रिवर देख रहे हैं, ये नदी गंगा है, तो गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी है, ये इसमें कह रहा है कि यह तीर्थस्थल जो पवित्र गंगा है उसके तट पर है। गंगा समीप्यातम इदम हरिद्वारम रमणीयम पावनम च अस्ति। जैसे कि मैं म म बोल रही हूँ, मैं म इसलिए बोल रही हूँ, मैंने इसमें बोला इदमम, इदम तीर्थ स्थलम इसमें बोला मैंने हरिद्वारम रमणीयम पावनम, नम नम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तीर ऊपर बिंदी लगी है और बिंदी का मतलब है म, तो तीर्थस्थलम पावनम, तो इसका अर्थ है इदम हरिद्वारम रमणीयम पावनम च अस्ति, मतलब गंगा के पास
ये जो गंगा नदी है तो उसके कारण हरिद्वार जो है बहुत ही सुंदर, पावन मतलब पवित्र है। हिमालयस्य शिवलिंग शाखा पर्वत परिवृत्तम अस्ति इदम हरिद्वारम, मतलब ये जो हरिद्वार है ये पर काफ़ी सारी पर्वत मतलब काफ़ी सारे मतलब हिमालय और शिवलिंग शाखा पर्वत से ये घिरा हुआ है। परिवृत्तम मतलब घिरा हुआ। उत्तराखंड राज्यस्य प्रसिद्ध मंदिरम नगर अस्ति। उत्तराखंड जो राज्य है, ये जो राज्य है स्टेट है, इस राज्य का जो प्रसिद्ध मंदिर है मिदम मंदिर जो है वह हरिद्वार ही है। उत्तराखंड राज्यस्य द्वितीय राजभाषा संस्कृत अस्ति। आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं उत्तराखंड राज्यस्य, इसमें दो वर्ड्स को ज्वाइन करके उत्तराखंड राज्यस्य बना दिया है। तो दो वर्ड को अगर हम अलग अलग करें तो पहला तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा राज्य हो गया। तो उत्तराखंड राज्य की द्वितीय मतलब दूसरी राज्यभाषा मतलब राज्य में जो भाषा बोली जाती है तो वहाँ की राजभाषा जो है वह संस्कृत है। देखिए पहली तो हिंदी होगी, फिर दूसरी है संस्कृत। फिर हरिद्वारे ना केवलम संपूर्ण भारताम अपितु अन्य भयम देश भयम आपी जाना तीर्थयात्रणम भक्ताम च आगच्छति। इसका देखिए पहला हरिद्वारे, हरिद्वार ना केवल संपूर्ण भारत मतलब हरिद्वार में ये नहीं कि सिर्फ भारत के लोग आते हैं बल्कि अन्य भयम मतलब अन्य देशों के भी लोग वहाँ पर आते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया हरिद्वार में ना केवल सिर्फ संपूर्ण भारत के व्यक्ति आते हैं बल्कि पूरे देशों के व्यक्ति आते हैं। यहाँ पर देश विदेशों से व्यक्ति घूमने आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रीण भक्ता च आगच्छति, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और जो भक्ता होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। ते गंगाया निज स्नानम कुर्वन्ती मंदिरेषु दर्शन च कुर्वती, मतलब वह आते तो हैं तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं और जो भक्ता होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो इस पवित्र गंगा नदी में भी नहाते हैं और हरिद्वार में है काफ़ी सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन भी करते हैं। यह यदा हरिद्वारपि कुंभस्य आयोजनम भवति तदा मेला पकस्य दृश्य भवति, मतलब मैंने आपको बताया देश विदेश के और संपूर्ण भारत के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर स्नान करने आते हैं, मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर कुंभ का मेला, कुंभस्य मतलब कुंभ का मेला, हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है तथा मेला पकस्य दृश्य भवति, और वह मेला का वहाँ पर जहाँ पर मेला लगाते कुंभ का मेला लगता है वहाँ का वह दृश्य वो देखने आते हैं। तस्मिन्नम समय तत्र बहु संप्रदम भवति, उस समय मतलब जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं देखने तो जब दृश्य देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है। संपदम मतलब भीड़। हरिद्वारे हर की पौड़ी इति स्थाने श्रद्धावलम स्नान कुर्वती, हरिद्वार में जो हर की पौड़ी एक जगह है हर की पौड़ी वहाँ पर वो श्रद्धावलम लोगों का स्थान है जहाँ पर वो स्नान करने जाते हैं। देश विदेशस्य भक्ता कुंभ स्नान तेषु आगच्छति, देश विदेश के भक्ता जो होते हैं वो कुंभ के मेले में भी घूमने आते हैं और वहाँ यहाँ पर स्नान भी करने आते हैं। हरिद्वारे अनेकानि मंदिराणि दर्शनीयानि सन्ति, हरिद्वार में अनेक मंदिराणि मतलब मंदिर हैं दर्शन के लिए। तो जैसे कुछ एग्जांपल हैं मनसा देवी मंदिर है वो भी दर्शन के लिए हरिद्वार में है। भारत माता मंदिरम
च संति, मतलब एक तो मनसा देवी जी का मंदिर हो गया, एक भारत माता मंदिर भी है वहाँ पर। अत्र आश्रमाणाम प्रचुम अस्ति, मतलब ये मंदिर तो है साथ ही वहाँ पर कई आश्रम भी हैं। बहवम साधवम स्वस्व पन्नथस आश्रमस निर्माण करावंतन करी करित वनत संति, आश्रमेषु तीर्थयात्रिण अपि रात्रि विश्राम विश्राम कुर्वन्ति, मतलब मंदिरों के साथ साथ वहाँ पर आश्रम भी हैं और वहाँ पे आश्रमों का निर्माण किया गया है। और क्यों किया गया है आश्रमों का निर्माण, वे इसलिए किया गया है आश्रमेषु तीर्थयात्रिण अपि रात्रि विश्राम कुर्वन्ती, मतलब जो तीर्थ यात्रा के लिए देश विदेश भारतवर्ष के जो लोग आते हैं वहाँ पर जब थक जाते हैं तो रात को विश्राम करने के लिए वहाँ पर आश्रम का निर्माण किया गया है। हरिद्वारे गायत्री परिवार द्वारा संचालित देव संस्कृति विश्वविद्यालय अस्ति, मतलब हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा, ये एक परिवार है जो संचालित है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, मतलब मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड राज्य में ये हरिद्वार मंदिर स्थित है और हरिद्वार मंदिर स्थित होने के कारण वहाँ की जो राज्य दूसरी भाषा राज्य है वो संस्कृत है, तो वहाँ पर एक गायत्री परिवार है, वहाँ पर उनके द्वारा देव संस्कृत विद्यालय वहाँ पर है, जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तत्र भारतीय संस्कृति विषय संस्कार विषय च अध्ययनम अध्यापन भवति, मतलब वहाँ पर भारतीय संस्कृति जो विषय के बारे में पढ़ाते हैं, भारत की संस्कृति, भारत के बारे में ज्ञान देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं कि हमें कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए आदि, संस्कृत में जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वह वहाँ के अध्यापक पढ़ाते हैं। हरिद्वारे स्थाने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृतस्य अध्यापनम अनुसंधान भवति, हरिद्वार में उत्तराखंड जो है वो संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृतस्य अध्यापनम है, यहाँ पर जो संस्कृत पढ़ाने के लिए अलग अध्यापक हैं। सहैव तत्र स्थते गुरुकुल कंडाल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्राच आधुनिक विषयों पठन पठान भवति, तत्र प्राचीनतरम गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला पुरे वर्तत। हरिद्वारे कृचित एवं दूरम ऋषिकेश तीर्थ, हाँ तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि हरिद्वार में ये जो गायत्री परिवार द्वारा जो विश्वविद्यालय है संस्कृत बच्चों के लिए, वहाँ पे लोगों को उन बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं और वहाँ पे बहुत ही आधुनिक विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है और ये प्राचीन काल से ही यहाँ पे गुरुकुल है, मतलब जो विद्यालय हैं। और हरिद्वार में एक दूर पर हम थोड़ी ही दूरी पर जाएंगे तो वहाँ पर ऋषिकेश तीर्थ स्थल है, वहाँ पर ऋषिकेश एक तीर्थ स्थापित है वहाँ पर लक्ष्मण झूला भी आप देख सकते हैं, राम झूला भी देख सकते हैं, गीता मंदिर च दर्शनीयानि संति, मतलब और भी काफ़ी सारे दर्शनीय स्थल हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आपको जैसे लक्ष्मण झूला भी, राम झूला, गीता मंदिर आदि। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था हरिद्वार के ऊपर, हम इसी चैप्टर से रिलेटेड अपनी अगली वीडियो में करेंगे इसके शब्द अर्थ और कुछ अभ्यास प्रश्न। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।